स्ट्रीट लाइट एरिया में पुलिस ने किया कुर्की जब्ती। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जानिए क्या है पूरी खबर इस रिपोर्ट में। बेगूसराय जिला अंतर्गत बलिया थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बलिया थाना क्षेत्र के बलिया डंडारी मुख्य पथ पर बीते कई वर्षों से चल रहे रेड लाइट एरिया में बलिया पुलिस एवं डंडारी पुलिस तथा साहेबपुर कमाल थाने की पुलिस के सहयोग से रेड लाइट एरिया में कुर्की जब्ती किया जा रहा है। आप एक्सक्लूसिव तस्वीर में साफ तौर से देख सकते हैं कि पुलिस किस तरीके से कुर्की जब्ती कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार रेड लाइट एरिया में शमशेर खलीफा और सुभाष खलीफा के घर में पुलिस बल के जवानों की मौजूदगी में कुर्की जब्ती चलाई जा रही है, जिस दौरान पुलिस बल के जवान उनके घरों में रखे सारे सामानों को जब्त कर रही है और सारे सामान को जब्त करते हुए उसे गाड़ी पर लोड कर थाने पर लाया जा रहा है। जैसा कि तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि न्यायालय के द्वारा दिया गया दिशा निर्देश पर पुलिस बल के जवानों की मौजूदगी में यह कुर्की जब्ती का कार्य चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शमशेर खलीफा और सुभाष खलीफा को न्यायालय में सौहदे हाजिर होना था, जो बीते कई माह से फरार चल रहा था, जिसके बाद न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए कुर्की जब्ती का आदेश निकाला, जहां न्यायालय के दिए गए आदेश पर ही बलिया अनुमंडल के तीन थाने की पुलिस, बलिया थाना, साहेबपुर कमाल थाना और डंडारी थाने के पुलिस के बल के जवानों के सहयोग से बलिया थाना क्षेत्र की बलिया डंडारी मुख्य पथ पर संचालित हो रहे रेड लाइट एरिया में पुलिस ने आज मंगलवार को कुर्की जब्ती किया। आप साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस घर में रखे सारे सामानों को कानूनी तरीके से घर से सारे सामान को और गेट को तोड़कर बाहर निकाल रही है और सभी सामान को जब्त कर थाने पर लाया जा रहा है, जहां जब्त सामानों की सूची भी बनाई गई और सभी सामानों को थाने पर लाया गया। बताया जा रहा है कि रेड लाइट एरिया में बीते कई वर्षों से संचालित हो रहा था, जहां पर कई बार लड़कियों की खरीद बिक्री का भी मामला सामने आया था। कुछ ही महीने पहले एक यूपी की नाबालिग लड़की को इसी रेड लाइट एरिया में बेचने का मामला भी सामने आया था, जिसके बाद सूचना मिलते ही यूपी पुलिस बेगूसराय जिले के बलिया पहुंची थी और बलिया पुलिस के सहयोग लेकर छापेमारी भी किया था, लेकिन उस दौरान लड़की तो बरामद नहीं हुई थी, लेकिन उसका कुछ वस्त्र को बरामद किया गया था। देखिए पूरी खबर, ब्यूरो रिपोर्ट, डीएनसीटी लाइव न्यूज, बेगूसराय।